नमस्कार, कैसे कहीं में रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा। हम हैं राउर दोस्त मनोज भावुक। शादी भइला कई महीना हो गई, लेकिन अभी ले शारीरिक संबंध ना बन सकल, इंटर कोर्स ना हो सकल। सुने में अजीब लागता, लेकिन ई समस्या बा, बहुत सारा केस बा जोना पर आज चर्चा हुई। ऐसन स्थिति से परिवार बिखरेला, रिश्ता टूटेला, आ यहाँ तक कि साले भीतर तलाक तक के नौबत आ जाला। ऐसे ई समस्या खाली एगो सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, ई सोशल प्रॉब्लम भी बा। ए समस्या के कहल जाला अनकंजुमेटेड मैरिज। ई एगो ऐसन अवस्था है जब शादी शुदा मेल आ फीमेल में कई महीना के बाद भी संभोग की स्थिति ना बन पावेला। ये बड़ी खतरनाक स्थिति बा। ऐसे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन आ तनाव की स्थिति पैदा होला। हमने के मकसद बा कि केहू फ्रस्ट्रेट मत होके, केहू के तनाव मत होके, केहू के रिश्ता मत टूटे, केहू के परिवार मत बिखरे। यही से आज कैसे कहीं में बातचीत के विषय बा अनकंजुमेटेड मैरिज। आए पर विस्तार से बातचीत करे खातिर अंजन के स्टूडियो में मौजूद बानी सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विपिन त्यागी। डॉक्टर त्यागी, अंजन मेरा बहुत बहुत स्वागत बा। चलिए हमने के बातचीत के आगे बढ़ावल जाओ। अनकंजुमेटेड मैरिज कब कब कहल जाए, एकर मेडिकल डेफिनेशन कब? शादी हो गई ओकरा बाद कितना महीना के बाद रिलेशन ना बनल तेकरा के अनकंजुमेटेड मैरिज कहल जाए? देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि मैरिज का कंसेप्ट क्या है। हम शादी करते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर शादी एक ऐसा तरीका है जहाँ पर एक लड़का एक लड़की एक रिलेशनशिप में बनते हैं और उनको सर्टिफाई किया जाता है समाज की तरफ से कि आप वो दो लोग हैं जो अपने बीच में सेक्सुअल संबंध बना सकते हैं। कंज्यूमेशन होता है कि शादी के बाद किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि संभोग करना, अगर ये नहीं हो पाता है तो इसे हम कहते हैं अनकंज्यूमेशन, और इसी को हम डिफाइन करते हैं अनकंज्यूमेटेड मैरिज। कितने दिनों के बाद हम इसे बोलेंगे ये कोई डिफाइन नहीं है। हमारे पास मरीज एक महीने बाद भी आ सकता है, दो साल बाद भी आ सकता है और चार साल बाद भी आ सकता है। पीरियड की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर शादी के बाद एक लड़का और एक लड़की के बीच में संभोग वाली स्थिति नहीं हो पाती है तो उसी को हम कहते हैं अनकंज्यूमेटेड मैरिज। चलिए हमने के बातचीत के आगे बढ़ा जाए, एक एक लेके बढ़ल जाओ। सबसे पहले हम मेल फैक्टर जानना चाहते हैं। देखिए, मेल फैक्टर में जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि आप में उत्तेजना है लेकिन तनाव नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक एप्रीहेंशन होता है, एक बेचैनी की स्थिति होती है शादी के बाद। अक्सर शादियां जो इंडियन सोसाइटी में होती हैं वो अरेंज मैरिज होती हैं। आप उस लड़की से पहली बार मिल रहे होते हैं, आपको उसे हाथ लगाने में भी एक शर्म होती है, तो आगे बढ़ने की स्थिति तो आप दूर की बात है। तो इस तरह से एक बेचैनी होती है, तो उत्तेजना होने के बाद भी तनाव ना आना ये सबसे कॉमन कारण होता है अनकंज्यूमेटेड मैरिज का। दूसरा एक कारण होता है कि कुछ लोगों में सेक्सुअल डिज़ायर ही कम होती है, उनमें वो फीलिंग ही नहीं होती जो कि एक फीलिंग एक नॉर्मल मर्द में होनी चाहिए। वो हार्मोनल कारण से भी हो सकती है और वो साइकोलॉजिकल कारण से भी हो सकती है। तीसरा कारण होता है कि उत्तेजना है, तनाव भी है, लेकिन जब तक वो संभोग की प्रक्रिया को शुरू करें उससे पहले ही सारा तनाव खत्म हो जाता है, जिसे हम प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, या वो शुरू करें और विद इन अ मिनट वो डाउन हो जाए। थोड़ा सा रोके। जो हमने के डिफिनेशन के बात कही नहीं हजा कि दोनों के बीच इंटर कोर्स ही ना भइल होके, रिलेशन ना बनल होके, लेकिन प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के कंडीशन थोड़ा अलग बा। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के मतलब भइल कि रिलेशन तो बनता, इंटर कोर्स तो होता, वो सक्सेसफुल लेके हो। देखिए, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आपने बिल्कुल सही कहा, जो असली डेफिनेशन होती है वो तो यही होती है कि इंटर कोर्स हो रहा है लेकिन जल्दी हो जाता है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रिसेंटली शादी होती है कि उत्तेजना हुई, तनाव हुआ, और जब तक वो फीमेल वजाइना के पास तक पहुंचते हैं तब तक वो इजैकुलेट हो जाता है जी। तो उसको भी हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की डेफिनेशन में ही रखते हैं। तो तीसरा कारण जो मैंने बताया कि मेल फैक्टर जो होते हैं उसमें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। चौथा एक कारण होता है कि कुछ लोगों की लिंग की आगे की जो त्वचा होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेंट होती है, या वो बहुत ज़्यादा कड़ी जिसे कहते हैं तनाव वाली होती है, वो पीछे पूरी तरह से आती नहीं है। उस कंडीशन में जैसे ही तनाव होता है तो आदमी को अपने लिंग में दर्द का अनुभव होता है और फिर वो सेक्स
की एक्टिविटी को छोड़कर उस दर्द की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है। तो ये जो सारे कारण मैंने बताए, ये मेल फैक्टर्स होते हैं फॉर अनकंज्यूमेटेड मैरिजेस के लिए। अच्छा, एकर का कारण होला जो आगे वाला फोर स्किन के रुआ बात करते नहीं, आगे वाला स्किन के कि उसमें दर्द शुरू हो जाला या पीछे ना मिला, का कारण का हो सकेला? देखिए, इसके दो कारण होते हैं। कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो जरूरत से ज़्यादा टाइट होती है, और अगर लिंग में पीछे की तरफ एक फ्रेनुलम होता है जहाँ पे स्किन अटैच होती है, कई बार वो फ्रेनुलम जरूरत से ज़्यादा टाइट होता है, तो जैसे ही तनाव होता है तो आदमी को उसमें दर्द होने का अनुभव होने लगता है। और देखिए, संभोग करने के लिए आपको दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग दर्द की तरफ चला गया तो आप शारीरिक रूप से तैयार होने के बावजूद भी संभोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ऑर्गन के साथ में माइंड का होना भी ठीक है, और माइंड के साथ में ऑर्गन का होना भी बहुत ठीक होना भी बहुत जरूरी है। का ट्रीटमेंट बा, हम स्पेशली एकर बात करते हैं। इसकी बात करते हैं तो जैसे हम मुस्लिम्स में सुन्नत कर देते हैं या सर्कमसीजन कर देते हैं, तो अगर किसी की स्किन है और वो बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसको हम एग्जामिन करते हैं और हमें लगता है कि यार ये इतनी टाइट है कि इसके रहते वो बंदा संभोग नहीं कर सकता है, तो हम उसको सर्कमसाइज कर देते हैं, और जिसे हम सर्कमसीजन कहते हैं। अगर सिर्फ टाइट फ्रेनुलम की बात है तो उसमें हम फ्रेनुलोप्लास्टी कर देते हैं, यानी कि उसमें चीरा लगा के उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। अच्छा, क्या रिकमेंडेड बा कि जो सर्कमसीजन की बात कही नहीं, खतरा जोना के कहा जाला कि बचपन में सबका करा लेके चाहिए, ऐसा रिकमेंडेड? नहीं, देखिए, मेडिकल एविडेंसेस अगर हम बात करें तो खतना या सर्कमसीजन कराने का कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। ये एक सोशल रिचुअल है, इसको कंडेम भी हम नहीं करते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बट इसके करने से कोई मेडिकली फ़ायदा हो ऐसा भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। चलिए, हम बातचीत के आगे बढ़ाए। अभी एक कॉलर हमने के साथ जुड़ल बानी, हम कॉल ले ली। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, हम नोएडा से शिशिर बोल रहे हैं। मेरी उम्र 25 साल है, मेरी अभी अभी शादी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लिंग बड़ा है और मेरी पत्नी की वेजाइना छोटी है, क्योंकि सेक्स काफ़ी पेनफुल रहता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? शिशिर जी के साथ में एक तो मैं ये एक्सप्लेनेशन जरूर चाहूँगा कि पेनफुल किसके लिए रहता है, उनके लिए या उनकी वाइफ के लिए रहता है। देखिए, अगर उनके लिए है तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि कई बार स्किन आगे की बहुत ज़्यादा टाइट होती है, टाइट फ्रेनुलम होता है, तो उसका इलाज उस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक वाइफ की बात है, और जैसे ये बता रहे हैं कि पेनिस बहुत बड़ा है इनका, तो 23 साल की लड़कियाँ जो कि अभी जिनकी शादी हुई है, जिनका पहले कोई भी सेक्सुअल एनकाउंटर नहीं है, उनकी योनि बहुत ही छोटी होती है, और उनको प्रोग्रेसिव रूप से बड़ा करना चाहिए। ये मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितने भी नए शादीशुदा कपल्स हैं, उनके बीच में संभोग बनाते वक्त लुब्रिकेशन की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि उन दोनों को बड़ी एप्रीहेंशन होती है, और उस एप्रीहेंशन की वजह से नीचे बहुत ड्राइनेस रहती है, खासकर फीमेल की वजाइना में। उस ड्राइनेस की वजह से पेन बहुत ज़्यादा होता है पहली बार संभोग करते हुए फीमेल को। तो लुब्रिकेशन के लिए आजकल मार्केट में बड़े सारे लुब्रिकेंट होते हैं, और आप अपना सलाइवा भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, जिनकी योनि बहुत ही छोटी होती हैं, कुछ 10 में से 2 फीमेल्स ऐसी ज़रूर होती है जिनकी योनि इतनी छोटी होती है कि उसमें सेक्स करते वक्त पेन होना बड़ा लाजमी सी बात होती है। ऐसे केसेस में इनको गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, और वेजाइनल डायलिटेशन या वेजाइना को चौड़े करने की प्रोसीजर्स होती हैं, उनका इलाज उस तरह से करना चाहिए। जी शिशिर जी, हमरा बुझाते ही डॉक्टर साहब जिसन की रुआ बताओ नहीं है, ये कपल के प्रॉब्लम बा, पेन केकरा होता ये रुआ पता हुई, लेकिन कपल जाए आप गायनाकोलॉजिस्ट से मिले, यूरोलॉजिस्ट से मिले, एंड्रोलॉजिस्ट से मिले, एक्सपर्ट डॉक्टर से मिले, अपना समस्या के समाधान कराए। डॉक्टर साहब, हमने के मेल फैक्टर पर बात करनी है, जा फीमेल के भी रुआ बतानी है जिसे योनि के छोटा भइल, और भी बहुत सारा फैक्टर हो सकेला, हमने के पर बात करें जा, लेकिन अभी वक्त हो गई बाकी छोटा ब्रेक के बाद बात करें फीमेल फैक्टर, कौन कौन सा कारण बा महिला के तरफ से जौना के चलते अनकंज्यूमेटेड मैरिज के समस्या आवेला, बनल है। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत बा कैसे कहीं में। आज बात होता अनकंज्यूमेटेड मैरिज के, यहाँ पर बात करे खातिर हमने के साथ है बानी डॉक्टर विपिन त्यागी। डॉक्टर त्यागी, मेल फैक्टर पर हमने के बात कहनी है, जा फीमेल फैक्टर का बा?
फीमेल फैक्टर में भी सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है लैक ऑफ डिज़ायर जी, कि किसी को इच्छा ही नहीं है। ठीक, ये डिज़ायर दो तरीके से हो सकती है, या तो जिस लड़के से लड़की की शादी हुई है वो उसे पसंद ही नहीं है, या उनमें अंदर से ही उत्तेजना नहीं आती है। दूसरी जो मैं वजह बता रहा हूँ वो सबसे कॉमनली होती है, 100 में से 67% मैरिजेज़ में अनकंज्यूमेशन का कारण होती है वजाइनिस्मस। वजाइनिस्मस यानी कि सेक्स करते वक्त या संभोग करते वक्त या उससे पहले वजाइना या वजाइना के सराउंडिंग एरिया में दर्द होना, और ये चिंता होना कि अगर ये पेनिस हमारे अंदर जाएगा तो हमें दर्द होगा। तो संभोग की प्रक्रिया उनके लिए एक दर्द भरा अनुभव हो जाती है। ये चीज़ें उनको शादी से पहले उनके घर की जितनी भी औरतें होती हैं वो सब बता चुकी होती हैं कि संभोग बड़ा दर्द भरा होता है, संभोग में बहुत दर्द होता है, उसमें बहुत ब्लीडिंग होती है। तो ये चीज़ें दिमाग के ऊपर हावी हो जाती हैं। इसके अलावा फेमिल, जैसे मैंने बोला, वजाइनिस्मस यानी कि वजाइना में पेनिट्रेट करने से पहले दर्द का अनुभूति और एहसास होना, इसका कारण होता है कि कई बार वजाइना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। दूसरा कारण होता है कि कई बार वजाइना बहुत छोटी होती है, और तीसरा कारण होता है कि जिसे हम हाइमन बोलते हैं कि हाइमन का एक डर होता है। हाइमन एक झिल्ली सी होती है जिसको कि टूटना चाहिए और वजाइना में उसके बाद पेनिस जाना चाहिए। वो टूटने की प्रक्रिया कई बार पेन वाली होती है, और कुछ लेडीज़ उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और जैसे ही मर्द संभोग के लिए आगे जाना चाहता है वो अपनी तरफ से उसको मना करती हैं या रोकने की कोशिश करती हैं या उसके अगेंस्ट काम करती हैं। तो उस ये 3-4 वजह होती हैं जो कि वजाइनिस्मस की होती हैं। अच्छा, हाइमन की वो बात करें, थोड़ा सा मैं हाइमन पर रुका था। नहीं, अगर केहू के हाइमन बार बार कोशिश कर ले के बाद भी अगर पेनिट्रेशन ना होके ब्रेक ना होके तो अगर का उपाय, बस सर्जरी में जाके पड़े? बिल्कुल, उसमें फिर आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है, और कई बार हाइमन जरूरत से ज़्यादा टाइट होती है तो हाइमेनेक्टमी कहते हैं, जिसमें कि इंसिजन लगा के, चीरा लगा के उस हाइमन को खोला जाता है। हम बात के आगे बढ़ाएं, अभी एक कॉलर हमने के साथ जुड़ल बनी। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार, मेरा नाम अभिनव है, मेरी उम्र 17 साल है। मेरी समस्या है कि मेरा लिंग काफ़ी छोटा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितने वर्ष तक बढ़ता है। देखिए, ये भी एक अनकंज्यूमेटेड मैरिज में एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि जो मेल फैक्टर होता है उसे लगता है कि मेरा जो पेनिस है वो बहुत छोटा है और इससे मैं अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। बट एक चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि पेनिस का कोई साइज़ नहीं होता। देखिए, एक इंसान 5 फीट का भी हो सकता है, एक इंसान 8 फीट का भी हो सकता है। हम कैसे मानते हैं कि भाई 5 फीट से छोटा है तो बहुत छोटा है, 6.5 फीट से लंबा है तो बहुत लंबा है, ठीक है, लेकिन उनकी हाइट एक एवरेज रेंज में होती है। तो पेनिस छोटा है या नहीं छोटा है वो डॉक्टर देख के ही बता सकता है। कई बार जो पेनिस हमें छोटा दिखता है वो असल में छोटा नहीं होता। इस तरह के मरीज अक्सर काफ़ी मोटे होते हैं या उनके ऊपर सुप्रा प्यूबिक फैट यानी कि पेनिस के ऊपर जो फैट होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो आपको पेनिस छोटा दिखता है जबकि वो छोटा होता नहीं है। इनकी उम्र है 17 साल, और ये सब लोग जो टीवी में देखते हैं, चाहे वो ब्लू फिल्म्स हो, चाहे वो किसी तरह की ऐसा मटेरियल हो जिनमें संभोग की प्रक्रिया दिखाई जाती है, और वहाँ उस पेनिस को देख के उनको लगता है कि हमारा पेनिस ये होता है, ऐसा होना चाहिए। देखिए, हर आदमी शाहरुख खान नहीं बन सकता, हर आदमी आमिर खान नहीं बन सकता, हर एक आदमी का चेहरा अपना चेहरा है, वो खूबसूरत उससे ज़्यादा नहीं बन सकता। इसीलिए ये मिसकंसेप्शन होती है मेजोरिटीज़ ऑफ द पेशेंट में। हाँ, बाकी इनको किसी एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के ये देखना चाहिए कि भाई पेनिस रियल में छोटा है कि नहीं है। जहाँ तक छोटे पेनिस को बड़ा करने वाली बात है, अगर उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स डेवलप नहीं है, यानी कि दाढ़ी मूछ नहीं आई है, मर्दानगी वाले सारे फीचर्स नहीं आए हैं, तो ये ऐसा हो सकता है कि उनके हार्मोन लेवल कम हो, उनको हार्मोन सप्लीमेंट किए जाएँ और थोड़ा बहुत पेनिस के साइज़ में बढ़ोतरी हो। अदरवाइज सर्जिकली पेनिस के साइज़ को लंबा करना पॉसिबल है बट एडवाइजेबल नहीं है। जनरल क्वेरी आई रहे बहुत पहले इस सब लेके, बच्चन में अक्सर बच्चन के पेनिस के साइज़ के लेके कंपेयर होला, तो ये मदर्स की चिंता रहे कि हमारे बच्चे की हाइट बहुत है और दूसरे बच्चे जो इससे कम हाइट के हैं उनके पेनिस के साइज मेरे बच्चे से। देखिए, इसमें ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि एक वर्ड होता है प्यूबर्टी जी, यानी कि जब 12-13 साल में एक लड़का मर्द में बदलता है, जब दाढ़ी मूंछ आनी शुरू होती है, तब तक के लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले डॉक्टर होने के नाते भी मुझे नहीं पता कि इसके हार्मोन में क्या चेंज आने वाले हैं। ऐसे जब भी आपको लगे किसी भी माता पिता को कि पेनिस छोटा है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं।
हम उनकी टेस्टिस को एग्जामिन करते हैं। अगर टेस्टिस हमें नॉर्मल दिख रही हैं तो हम सिर्फ उनको ये काउंसलिंग देते हैं कि आप 13-14 साल की उम्र तक वेट करें, प्यूबर्टी आने दें। अगर प्यूबर्टी की बात आपको लगे कि 14-15-16 साल का हमारा बच्चा हो गया है, ना दाढ़ी के बाल आ रहे हैं, ना मूछों में बाल आ रहे हैं, ना इसकी आवाज़ बदल रही है, ना इसमें मर्दानगी वाले फीचर आ रहे हैं, तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास आएँ और आगे इलाज का सोचें। अदरवाइज़ अगर टेस्टिस नॉर्मल है तो 13-14-15 साल की उम्र तक इंतज़ार करें। चलिए, चूँकि बात पर बात आई है, सवाल रखनी है हमने कि मेल फैक्टर पर बात करनी, फीमेल फैक्टर की भी बात भी, और तीसरा फैक्टर कंबाइंड फैक्टर के बात करनी हो पर बात करें, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटा ब्रेक की, बस तुरंत वापस लौटा था, नहीं छोटा ब्रेक के बाद। पुनः स्वागत बा कैसे कहीं में, हम हैं मनोज भावुक। आज हमने के साथे बनी डॉक्टर विपिन त्यागी, बातचीत होता अनकंजुमेटेड मैरिज पर। सर हमने की मेल फैक्टर के बात कहनी जा, फीमेल फैक्टर के बात कहनी जा, कंबाइंड फैक्टर का क्या बात? ये कंबाइंड फैक्टर्स वो होते हैं जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं एक शादी के अनकंजुमेटेड होने में। इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है कि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, क्योंकि सेक्स एजुकेशन हमारे इंडिया में नहीं है, तो लड़का या लड़की दोनों को ये पता ही नहीं होता कि असली में संभोग किया कैसे जाता है। अच्छा रुआ, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आवत हुई हैं ये सब प्रॉब्लम। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो हमारे पास शादी के 2 महीने से लेके 2-2 साल तक के बाद आते हैं, जिनको ये नहीं पता होता है कि मुझे अपने पेनिस को कैसे डालना है और कहाँ पर डालना है। देखिए, ओपनिंग अगर आप वजाइना की एनाटॉमी की बात करें तो यूरिन का रास्ता होता है, बाहर एक लेबिया मेजोरा होता है, अंदर एक वजाइना होती है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमें सिर्फ स्किन के अंदर डालना है या हमें इस होल के अंदर डालना है। ठीक, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ये होते हैं कि सेक्स कितनी देर तक करना चाहिए, कि सेक्स की ड्यूरेशन सिर्फ 2 मिनट होती है, 3 मिनट होती है, 5 मिनट होती है, 10 मिनट होती है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि सेक्स या ऑर्गेज़म जिसे हम कहते हैं उसकी फीलिंग क्या होती है। तो ये अननोइंगनेस जो होती है ये एक वन ऑफ दी फैक्टर होती है जो कि कंबाइंड फैक्टर होती है। देखिए, अगर लड़के को पता है कि कैसे करना है तो वो सेक्स कर सकता है, अगर लड़की को पता है कि कैसे करना है तो भी वो सेक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को ही ना पता हो कि सेक्स कैसे करना है तो दोनों एक साथ मिलकर संभोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक कारण होता है ड्राइनेस। लड़के के पेनिस स्किन की वजह से कोई सिक्रीशंस होते नहीं हैं, और फीमेल्स में अगर थोड़ी सी भी एनजाइटी हो तो उनके वजाइना में भी सिक्रीशंस होते नहीं हैं और ड्राइनेस रहती है। तो जिस तरीके से एक चूड़ी होती है टाइट, तो जब वो हाथों से नहीं जाती है तो उस पर साबुन का पानी लगाया जाता है, फिर वो चूड़ी आराम से चली जाती है। इसलिए पहली बार संभोग करने के लिए लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है। लुब्रिकेशन पर बात करनी, अगर नेचुरल लुब्रिकेशन नहीं मिल पाओ जो वजाइना में सिक्रीशन होला जो ना के, या पेनिस में भी सेक्रेशन होला? पेनिस में उतने सेक्रेशंस होते नहीं हैं। ठीक, अगर नेचुरल सेक्रेशन नहीं मिल पावत तो जोन भी आर्टिफिशियल या बाहर से लुब्रिकेशन लेवे के बाद का हो सकेगा? देखिए, लुब्रिकेशन मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बेटर है नेचुरल लुब्रिकेशन, या तो वो वेजाइना से आए नहीं तो हमारा सलाइवा, क्योंकि ये बॉडी का पार्ट है जी, इससे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाली। अदरवाइज मार्केट में बहुत तरह के लुब्रिकेशंस अवेलेबल होते हैं। अच्छा, और क्या कंबाइंड फैक्टर में? कंबाइंड फैक्टर में इसके बाद जैसे हमने पहले बताया कि ये नहीं पता होना कि सेक्स कैसे होना, दूसरा लुब्रिकेशन का, तीसरा सबसे कंबाइंड फैक्टर होता है कि एक एनजाइटी, लड़के को एनजाइटी है, लड़की को एनजाइटी है, एक अरेंज मैरिज होती है। एक हमारे इंडियन सोसाइटी में आप किसी लड़की से ट्रेन में चलते हुए छू जाएं आपको वही बड़ा एनजाइटी कर देता है। तो एक अरेंज मैरिज के बाद लड़की का हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ने के बाद उसे गले लगाना, गले लगने के बाद कपड़े उतरना, और कपड़े उतरने के बाद सेक्स होना, ये चारों स्टेप्स में कई बार बिकॉज ऑफ एनजाइटी देर लगती है, और इसीलिए कंसेप्ट आता है हनीमून का। देखिए, हनीमून का जो वर्ड है उसकी अंग्रेजी मतलब को अगर समझिए, हनी मतलब डार्लिंग, मून मतलब 28 दिन की जो मून साइकिल होती है, फोर्टनाइट, और 28 दिन का ही लड़की का पीरियड होता है। तो अगर हनीमून भेजने का जो कंसेप्ट है वो यही है कि लड़का लड़की को घर से बाहर एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहां वो ना एक दूसरे को दिल के रूप से समझे, दिमागी रूप से समझे, बट सेक्चुअली भी समझे। एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए कि ये लड़की मेरे सामने बिना कपड़ों के, या इस लड़के के सामने मैं बिना कपड़ों के आ सकता हूँ। अगर वो कंफर्ट लेवल नहीं आएगा तो सेक्चुअल रिलेशनशिप बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और उसी के लिए हनीमून का कंसेप्ट है। हमारे पास बड़े सारे मरीज आते हैं और हम जब उनको देखते हैं हम उनसे यही बोलते हैं कि चलिए अभी तक आपके बीच में जो हुआ अब हमने आपको बताया कि भाई ये आपके कन्फ्यूजन्स थे, मैंने वो कन्फ्यूज़न क्लियर किए, अब आप एक काम करिए अगला टिकट कराइए गोवा का, 7 दिन गोवा रह के आइए। तो एक अकेलेपन का एहसास बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझने के लिए भी और सेक्चुअली समझने के लिए भी। जी जी, और क्या कारण हो सकेला? ये तो रोड़ा ठीक बा, अलग अलग साइकोलॉजिकल मेडिकल कारण बताएंगे, और भी बहुत तरह के रुआ पास मरीज आवत हुए, कुछ अगर रुआ शेयर करब मरीज लोग के एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जिसमें जैसे मैंने बोला कि कपल आया, हमने जब उनसे बात की, अक्सर इस तरह के मरीज जो आते हैं हमारे पास बींग यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट हमारे पास आते हैं मेल फैक्टर को लेके, बट जब हम मेल से बात करते हैं और साथ में हम फिर फीमेल से भी बात करते हैं तो फीमेल फैक्टर में ये आता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, मैं इसके साथ सेक्स में कम्फर्टेबल नहीं हूँ, चाहे तो वो शादी ज़बरदस्ती कराई गई हो चाहे उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो। तो एक तो ये फैक्टर आता है। दूसरा एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है जो मैं बताना चाहूँगा, एक मेल 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक सेक्स कर सकता है और 15 मिनट के बाद उसको ऑर्गेज़म हो जाता है। एक फीमेल एक रात में 5 बार सेक्स कर सकती है, ठीक। इसका सिंपल एग्जांपल है कि सारा प्रोस्टिट्यूट बिजनेस फीमेल बेस्ड होता है, मेल बेस्ड नहीं होता। कई बार लोग नॉर्मल सेक्स करते हैं लेकिन उनको ये लगता है कि भाई मैं तो 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाता हूँ, 6 मिनट में, लड़की को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो वो अनकंज्यूमेटेड मैरिज नहीं है, वो संभोग नॉर्मली कर रहे हैं बट उनको ये लगता है कि हमारे संभोग में लड़की को भी ऑर्गेज़म होना चाहिए, लड़के को भी ऑर्गेज़म होना चाहिए। लड़के को ऑर्गेज़म हो जाता है बट लड़की को कभी नहीं होता, उनको लगता है कि हमारे बीच में रिलेशनशिप नहीं बन पा रही है। तो कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जहाँ हमें ये ऐसा बताना पड़ता है कि भाई एक लड़की को ऑर्गेज़म की स्थिति तक लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें ये कहा गया है कि अगर 100 बार एक लड़का और एक लड़की सेक्स करते हैं तो सिर्फ 28 बार ऐसा होता है कि लड़की को ऑर्गेज़म आए, बाकी 72 टाइम्स 72 वक्त लड़की को ऑर्गेज़म नहीं आता है। तो कई बार ये मिथ होती है कि उनको लगता है कि हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बन पा रहे पर वो शारीरिक संबंध होते हैं। चलिए हम अंतिम सवाल करते हैं, क्या कि समय हमने के पास नहीं है, ऐसा मरीज के अगर ये बीमारी है तो केकरा पास जाए के चाहिए? उनको जरूर एक एंड्रोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए और एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूरा बातचीत रुआ सुननी संभोग जौन जौना पर आज बात होते रहा कि अनकंज्यूमेटेड मैरिज के मतलब कि शादी के बाद भी संभोग ना बनल, तो संभोग जौन शब्द बा वो खाली तन के मिलन नहीं के मन के मिलन बा। प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल हो सकेला, मानसिक हो सकेला, शारीरिक हो सकेला, दोनों के बिहेवियर से जुड़ल पे प्रॉब्लम हो सकेला। जरूरत बा कि कपल पत्नी या पत्नी दोनों अगर समस्या बढ़ल बा, अगर लागता कि समस्या बा तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास, एंड्रोलॉजिस्ट के पास, सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाए और खुल के अपना समस्या के सामने रखे। ब्लेम गेम से समस्या और बढ़ी, स्थिति खराब हुई। हमनी के रुआ सुखी वैवाहिक जीवन के कामना करता नहीं जा, आई उम्मीद करता नहीं जा कि केहू के साथ